लहरपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम बरगदहा में आवारा पशुओं के आतंक से परेशान होकर किसानों के द्वारा निर्माणाधीन घर में पशुओं को किया बंद। किसानों में काफी आक्रोश। बताते चले कि लहरपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम खानपुर और मोहद्दीनपुर के बरगदहा चौराहे पर क्षेत्र के गुस्साए करीब एक सैकड़ा किसानों के द्वारा आवारा पशुओं को पकड़कर निर्माणाधीन घर में बंद कर दिया गया। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि आवारा पशुओं की वजह से उनकी फसलों को काफी नुकसान हो रहा है। किसानों का यह भी कहना है कि सरकार के द्वारा चुनाव के समय में पशुओं को व्यवस्थित करने की बात कही गई थी, वोट ले लिया गया, लेकिन आवारा पशुओं को व्यवस्थित नहीं किया गया, जिससे किसानों की फसलें लगातार बर्बाद हो रही हैं। किसानों के द्वारा गौशाला बनाने की मांग की जा रही है ताकि पशुओं को व्यवस्थित किया जा सके, जिससे उनकी फसल बच सके। किसानों के द्वारा जब इस संबंध में ग्राम प्रधान से शिकायत की गई तो शिकायत के बाद भी ग्राम प्रधान मौके पर नहीं पहुंचे। सूचना जब पंचायत सेक्रेटरी को दी गई तो पंचायत सेक्रेटरी के द्वारा किसानों को आश्वासन दिया गया। क्या मामला है आप लोगों का? हम लोग बहुत परेशान, हम सारा गन्ना चढ़ गया है, कोई व्यवस्था है, सरकार कर नहीं रही है। वोट लेना है ले लेती, उसके बाद में विरोध करने लगती। तो ये जानवर आप लोगों ने जो बंद किए हैं, ये किस आधार पर बंद किए हैं? जानवर इसी आधार पर बंद किए हैं कि आप लोग, हम बोलते हैं कि सरकार इसको बंद कराए, सब लोगों को पकड़ाए, जानवर जितने हैं। किसानों का नुकसान हो रहा है, बहुत बहुत पैसा बर्बाद हो गया, रात दिन बताते 24 घंटा परेशान हो रहे हैं। कितने जानवर हैं बंद? 50। क्या मामला है आपका? हमारा 5 बीघा गन्ना चली गए, सब पूरा चड्डन खेत, और किसान कार्ड हमका जमा करे के रहा, गेहूँ हम एक बुआ नहीं बोए, पूरा गन्ना हमारा चली गया। अब हम कहाँ किसान कार्ड जमा करी और कहाँ लड़का बच्चे ने खबर कहाँ हम करी, और दिन भर की अब का करी हम बताओ। कहाँ मजूरी कराई जाए, मजूरी कर सब गन्ना चल जाए, लड़का बच्चा हमारे कहाँ खाए, गेहूँ के लिए कम नहीं बोए, पूरा गन्ना हमारा सब चल गया, रात भर जाता है, फिर भी चल जाते हैं गन्ना। अच्छा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम विजय कुमार यादव है। अच्छा, किस गाँव के हो? दुर्गीपुरवा के हैं, ग्राम दुर्गीपुरवा के। अच्छा, रंजीत प्रजापति की रिपोर्ट।